बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए क्लास, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटाबेस के अंदर इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में पेजिनेशन में हमने डाटा गेट करना सीखा था, और आज हम क्या देखेंगे कि डाटा को किस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है, या किसी पैनल के थ्रू कोई डाटा इंसर्ट हो सकता है, ये अप्लाई कहाँ हो सकता है, ये जो चीज़ मैं आप सिखाने जा रहा हूँ। तो हमें ये पता है कि भाई एडमिन पैनल एक चीज़ होती है जिसके थ्रू क्या होता है, एडमिन नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है, सही है, जो कि क्या होता है यूज़र एंड के ऊपर डिस्प्ले में आती हैं। तो इस वीडियो को या फिर इस जो आज भी हम पढ़ेंगे उसको इस तरह से कंसिडर करना है कि हम एक मॉड्यूल बनाने वाले हैं, उस मॉड्यूल के अंदर क्या होगा, एडमिन डाटा इंसर्ट करेगा, सही है, और इमेज के साथ करेगा ताकि वो फ्रंट एंड पर नज़र आए यूज़र को, जो आम यूज़र है, रजिस्टर या नॉन रजिस्टर। तो छोटी सी एग्जाम्पल लेके चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस db_test, इस नाम का मैंने डेटाबेस बना लिया, फिर यहाँ इसको करा यूज़ और ये एग्जीक्यूट, फिर क्रिएट टेबल tbl_, ठीक है, प्रोडक्ट या डाटा जो भी नाम रख दो, मैंने इसका नाम डाटा रख दिया, data_id इंटीजर, आइडेंटिटी प्राइमरी की, data_name, ठीक है, अच्छा चलो कुछ भी नाम इसका रख लेते हैं, जैसे ये इस बंदे का प्रोडक्ट नेम है, ठीक है, तो इसको p_id p_name, डाटा टाइप विल बी nvarchar, मैक्सिमम लेंथ 50, नॉट नल, सही है, और इसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। एक और अगर चाहते हो जैसे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, DSC मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इसको 500 कर दो, यानी 500 कैरेक्टर्स वो कर सकता है, अच्छा नॉट नल होगा ये भी। अब प्रोडक्ट _image, सही है, अब सवाल ये होता है इमेज को हम किस फॉर्मेट पे सेव करें, भाई बिट्स में कन्वर्ट करके सेव करें बहुत भारी पड़ जाएगा, कोई बड़ी इमेज भी 2 MB की, उसको फिर बिट में कन्वर्ट करो, वो एक ज़्यादा साइज़ ले जाएगा। तो बेहतर ये रहता है कि हम डेटाबेस के अंदर इमेज सेव करने के बजाय क्या सेव करा लें, उसका रिलेटिव पाथ सेव करा लें, सही, यानी स्ट्रिंग सेव करवा लें, और डेटाबेस फिजिकली इमेज कहाँ पर हो, एक फोल्डर के अंदर हो सर्वर पर, सही है, यानी इमेज होगी एक फोल्डर के अंदर और उसका जो पाथ होगा वो मौजूद होगा डेटाबेस। तो जब जब इमेज शो करानी है वो यहाँ से डेटाबेस से पाथ कॉल करेगा और इमेज फोल्डर से डिस्प्ले हो रही होगी निकल के, क्लियर है, अच्छा जी। इसके बाद यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको मैक्स कर देंगे, बिकॉज जो जनरेटेड स्ट्रिंग है उसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो कितनी बड़ी हो सकती है, तो मैंने उसको मैक्स कर दिया। बट एक बात कह दूँ भाई कि मैक्स वाला जो ये कीवर्ड है, ये आप कभी यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड इसके साथ ना लगाएं, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स तो एक खुली खिड़की है, यूज़र को दावत दे रहे हो कि आओ कितने कैरेक्टर्स टाइप करने कर दो, ऐसा नहीं करना है, हमें लिमिटेड रखना है, और दूसरा ये कि बाद में हम वैलिडेशन भी लगाएंगे वैसे भी, ठीक है, अच्छा। तो मेरा जो अंदाज़ा ना, ये मैक्स के बजाय 500 भी लिखें तो इनफ होगा, बट फिर भी मैंने कहा भाई कि कोई और मसला ना आए तो हम इसको मैक्स रखते हैं, तो उसको फिर बाकी मैं सर्वर साइड कोड से हैंडल कैसे करता हूँ देख लेना। ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, सेलेक्ट की क्वेरी चला के देख लो, डाटा होगा नहीं इसके अंदर, ऑब्वियस है कि अभी टेबल क्रिएट हुआ, कोई डाटा नहीं है, देख लें, सही है जनाब। तो हमें क्या क्या इंसर्ट करना होगा, नेम, डिस्क्रिप्शन और इमेज, हमारा फॉर्म ऐसा होगा। जो अब मजीद अगर आपके सिनेरियो में कुछ ज़्यादा कॉलम्स हैं तो ज़्यादा होगा, क्लियर है ये, चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, वेब एप्लीकेशन, ओके, MVC, चेंज ऑथेंटिकेशन, नो, ओके, अच्छा जी। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, मॉडल ऐड करना। अच्छा मैं एक बात बताता चलूँ साथ में, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से हम प्रोजेक्ट्स करते हैं यहाँ पे, बट मार्केट डिमांड कोड फर्स्ट की ज़्यादा है, सही है। अच्छा फिर दूसरा ये कि स्टूडेंट्स को जो है ना, एज अ स्टूडेंट अगर कहा जाए कि कोड फर्स्ट से प्रोजेक्ट बनाओ तो उसको बहुत मसले आते हैं, क्यों, क्योंकि अभी जो एपटेक स्टूडेंट है वो 2 साल से मेरे ख्याल से डेटाबेस फर्स्ट पर काम कर रहा है, यानी पहले डेटाबेस बनाता है,
फिर उसको कनेक्ट करता है अपने जो भी एप्लीकेशन है, सी शार्प की डेस्कटॉप है या वेब है जो भी है, तो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि भाई काम आसानी से उनका हो जाए, तो इसीलिए मैं डेटाबेस फर्स्ट पे उनसे प्रोजेक्ट करवा लेता हूँ, कोड फर्स्ट उन्हें अलग से पढ़ा लेंगे, सही है। और अगर कोई चाहता है कि हाँ भाई मैं चीता हूँ तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम, कोड फर्स्ट भी बनाएंगे APIs वगैरह यूज़ करके, सही है। तो हमेशा अच्छा बताने वाली बात जो है वो ये है कि जो मॉडल है आपका, जो डेटाबेस है, वो आप एक दफ़ा ही बनाएं और प्रॉपर पूरा कंप्लीट कर लें, सही है। जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी एक SRS होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें आप क्या करते हैं कि आपने सारे मॉड्यूल सोच रखे होते हैं कि फलां फलां फीचर्स होंगे, टेस्ट केस होंगे, कौन कौन सा यूजर्स कैसे लॉगिन होगा, लॉग रन टाइम पे डेटाबेस में अपडेशन या नई कॉलम्स ऐड नहीं करना, पहले से ही हमें सारी चीज़ें सोच लेनी है कि ये टेबल होंगे, इतने कॉलम्स होंगे, बाद में बदलोगे तो क्या होगा, एनोटेशंस चली जाएंगी, अभी एनोटेशन हमने पढ़ी नहीं है, वैलिडेशन के लिए वो काम आएंगी, ठीक है ना। आगे तो मेरी रिकमेंडेशन है जब आपका डेटाबेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए फिर आप विजुअल स्टूडियो की तरफ आओगे, अभी तो एक एक टेबल दो दो टेबल बना के आ जाते हैं, पूरा रिलेशनल डेटाबेस जब कंप्लीट होगा फिर हम करेंगे। अब चलो तो इमेजिन कर लो कि भाई ये कंप्लीट है, अब यहाँ पर आए न्यू आइटम डाटा टैब, इस पर सेलेक्ट किया पहला ऑप्शन न्यू कनेक्शन, और इसके बाद अपना यहाँ से सर्वर नेम उठाओ कनेक्ट, तो मैंने फैकल्टी 35 पेस्ट कर दिया, ओके ऐसे एपटेक, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है क्या DB टेस्ट अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से था, सेफ सही है, टेस्ट कनेक्शन ओके ओके, यहाँ से यस करेंगे, इसका नाम कनेक्शन स्ट्रिंग इससे बनेगी, नेक्स्ट, डाटा फेच कराया मेरा ये टेबल, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है, कंपाइलेशन, यानी आप अपने कोड को बिल्ड करें, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंपाइलेशन करना भूले तो एरर आ जाएगा, क्लियर है। अब चलते हैं फॉर्म बनाने की तरफ, तो भाई आप खुद से भी फॉर्म बना सकते हैं, यानी कोडिंग व्यू की खुद कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई आसानी है तो आसानी को इस्तेमाल करेंगे, मैं चाहता हूँ जल्दी हो जाए मेरा काम, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ ऐड न्यू रिकॉर्ड के नाम से मैंने एक्शन बना लिया, सही है ना, और यहाँ पे किया ऐड व्यू, और यहाँ से मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है डाटा इंसर्ट करना, सही है, और यहाँ से मैं क्या सेलेक्ट करूँगा TBL डाटा, और यहाँ देखो कनेक्शन स्ट्रिंग खुद से आ रही होगी, मैं इसको कर दूंगा ऐड, इससे क्या होगा, इस टाइम की बचत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये वैलिडेशन जैसे कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स जैसे कंट्रोल खुद से बना के दे देगा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं इसको लिखने जाऊँगा देखो कितना टाइम लगेगा, और अगर फिर भी आप चाहते हो कि खुद से लिखो तो वेल एंड गुड, बाद में इसको डिज़ाइन भी कर सकते हो। तो अभी मैंने कोई बैकएंड कोड नहीं लिखा, सिर्फ व्यू को मैं रन कर रहा हूँ, और अगर आप व्यू को देखेंगे तो ये थोड़ा सा वाहियात सा देगा लुक, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा। क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं मैं जो बताऊँ, एक तो कहो सर ये क्या है, एक ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, चले बाकी चीज़ें फिर भी मैं काम चला लूँगा। तो बेटा इसको बदल नहीं सकता अभी मैं, इसको बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनोटेशंस करनी, क्यों, क्योंकि ये भी कहाँ से आ रहा है, सर्वर साइड से आ रहा है ये, कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो जो नाम है ना इसका p_name p_test, इसने बिल्कुल वही नेम उठाए, अगर आप ऑब्जर्व करें, क्लियर है। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, अभी फिलहाल क्या करना है, अब इमेज के लिए यहाँ टेक्स्ट बॉक्स क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइल अपलोड कंट्रोल होता है ना एक, वो होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे जाते हैं और चेक करते हैं इमेज वाला कहाँ है, ये रहा भाई इमेज का, सही है ना, यहाँ से इसको कमेंट, अब HTML तो अंडरस्टैंड करना ही है आपको, इतना तो आना चाहिए, वरना इसके लिए पहले आप HTML पढ़ लें, ये क्लिक मारा इस पर, सही है, और इसको कर दिया कमेंट, कभी भी मैं कोड रिमूव नहीं करता, ठीक है, टेस्टिंग पर जब भी कोई काम हो और पहले से कोड आया उसको रिमूव नहीं करना कभी। यहाँ पर आया एक HTML कंट्रोल होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल, सही है ना, और
इसके बाद क्या चीज़ होती है, आईडी दे देंगे इसको एक इमेज फाइल नाम से, और नेम नाम का एक एट्रीब्यूट दे देंगे, ये भी इमेज फाइल के नाम से दे देंगे ना। कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है जनाब। और क्लास दे देंगे इस पे btn info, चेक करो क्या लुक आ रहा है इसका, फिर ऑनवर्ड आगे बढ़ाते हैं। सही, कुछ ऐसा लुक आ रहा है। देखो फाइल अपलोड हो सकेगी, बिल्कुल हो सकेगी, क्लियर है। अच्छा अभी कहाँ से होगी, अभी बैकएंड कोड नहीं किया, सिर्फ डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, सही है ना। अच्छा जी, ऊपर से आप ये सब चीज़ों को ज़रा बेहतर कर सकते हैं, जैसे ये TVL डाटा लिखा हुआ है, हाउ टू अपलोड इमेज डॉट, ठीक है, इसको हटा के अब अपने काम की बात करते हैं चल के। तो हमें कोड करना है, सबसे पहले कंट्रोलर के ऊपर जाना पड़ेगा, सही है। तो हमारा कंट्रोलर कौन सा है, होम कंट्रोलर है, क्योंकि हमें पता है कि कंट्रोलर सबसे पहले जब रिक्वेस्ट है वो आती कहाँ है, कंट्रोलर पे। कंट्रोलर ही मॉडल से इंटरेक्ट करता है व्यू से, और व्यू पे डाटा पास कर देता है, ठीक है जनाब। देखो बहुत सी चीज़ें सही होने चली हैं, अब यहाँ पर आते हैं। अच्छा मैं कर रहा हूँ, काफ़ी आसानी से काम हो जाता है, बट जब कोई स्टूडेंट करता है तो ऑब्वियस है कि इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सेट है, मुझे पता है कहाँ कहाँ एरर नहीं करना है, तो आपसे बहुत सारे एरर होंगे, सही है। तो प्रैक्टिस से ही ये सही हो सकेगा। अब यहाँ पर आया मैं कंट्रोलर पे, मुझे यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग की सबसे पहला स्टेप कंट्रोलर पे आके क्या करना है, स्टेप नंबर वन कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग को याद करो और यहाँ पर जाओ और यहाँ पर कंट्रोल एफ करो और कौन लिखो, देखो मिल जाएगी कनेक्शन स्ट्रिंग, मिल गई फ़ौरन से। ये इसको उठाया, कॉपी किया और होम कंट्रोलर पर आया, यहाँ पर टॉप पे पेस्ट कर दिया और कंट्रोल डॉट प्रेस किया, तो ये देखो सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये आप ऐड कर लें नेम स्पेस, मैंने कर दिया। db इसका नाम रखो ऑब्जेक्ट का, और मेरी सजेशन ये है कि भाई इसके अलावा कुछ और ना रखा करो, बाद में फिर हमें कोड समझने में आसानी हो जाती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। अब हमें कोड कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। अब मैंने बताया है पहले भी, रिक्वेस्ट दो टाइप की हैं, गेट एंड पोस्ट। गेट पे क्या होता है, ये गेट वाला जो है ना कब कॉल होता है, फर्स्ट टाइम, जब पेज फर्स्ट टाइम आ रहा है, और जब आप उससे कोई डाटा पास करोगे वापस कि वो जाके डेटाबेस को हिट करे, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। तो इसी को कॉपी करेंगे, इसके नीचे पेस्ट मार देंगे और यहाँ लिखेंगे HTTP पोस्ट, क्लियर है। अब आप कंपाइल करोगे ना एरर देगा, देखो दे रहा है, वो कह रहा है ओवरलोडिंग नहीं हो रही, मतलब सेम है ना, सिग्नेचर सेम है। तो यहाँ पर आके ना क्या करना है, TBL डाटा D कंपाइल करो, देखो एरर चला जाएगा, यानी ये पोस्ट वाला इवेंट है, जैसे बटन इवेंट होता है ना, ये बटन इवेंट समझ लो इसको। अच्छा अब एक स्टेप बहुत ज़रूरी, अगर आप फाइल अपलोड कर रहे हैं, मैं रिपीट करूँ, फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो व्यू के ऊपर एक चीज़ करना नहीं भूलना है, जो कि ये है बिगिन फॉर्म। बिगिन फॉर्म पर आके यहाँ पे तुमने पहले फॉर्म का नाम लिखना है, भाई कौन सा मेथड कॉल होगा, एड न्यू रिकॉर्ड कॉल होगा, सही है ना, कौन से कंट्रोलर से कॉल होगा, होम कंट्रोलर से कॉल होगा। फॉर्म मेथड क्या होगा, डॉट पोस्ट होगा। इसके बाद आपने क्या लिखना है, कॉमा लगा के न्यू दिस इनक्रिप्ट टाइप सही है, इनक्रिप्ट ENC टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। अगर आप ये लिखना भूल गए, और मैनी ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है डेवलपिंग करते वक्त मैं भूल जाता हूँ ये, और फिर एरर मिलता नहीं है, समझ नहीं आता कि इमेज अपलोड क्यों नहीं हो रही है। तो अगर आप ये भूल गए तो इमेज अपलोड नहीं होगी, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसको याद रखें, सही है। ये एक वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बस, बाकी चीज़ें वही हैं, अब इसमें कोई छेड़छाड़ करने की चीज़ नहीं। अब बैक एंड कोड पर आते हैं, फाइल अपलोड इतनी आसानी से तो होगी नहीं कि आपने एक लाइन में कोड लिखा और हो गया, तो उसके लिए एक मेथड बनाएंगे, सही है। और मैंने यहाँ एक मेथड बनाने का फैसला किया, पब्लिक, जो कि रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग टाइप अपलोड इमेज, सही है। और मैंने लिया स्ट्रिंग पाथ
इज इक्वल्स टू माइनस वन. माइनस वन का मतलब है अभी ये उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है ना, यानी कोई एरर समझ लो. रिटर्न पाथ, तो ये जो एरर आ रहा है ना रिटर्न टाइप का, ये चला जाएगा, चला गया. अच्छा अब यहाँ पे आके क्या लिखना है, एच टी टी पी पोस्टेड फाइल है ये वाला पोस्टेड फाइल बेस, सही है, और इसका नाम रख दिया इमेज फाइल इसके ऑब्जेक्ट. बाकी कोड भी मैं लिख सकता हूँ बट मैं अपना टाइम बचाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो मैं वो कोड भी लिंक में दे दूंगा, उसको लिख देना वहाँ, पेस्ट कर देना यहाँ पे, सही है. ये मेथड बल्कि मैं पूरा दे दूंगा और मैं उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है जी. ये मेथड मैं पेस्ट में, अब ये कोड अच्छा खासा बड़ा है, लंबा चौड़ा है, समझ नहीं आ रहा होगा, तो देखो क्या कोड है मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रैंडम नंबर जनरेट कराया. अब ये रैंडम नंबर जनरेट कराने का रीज़न क्या है, थोड़ी देर में पता लगेगा. होता क्या है कि हमने कोई इमेज अपलोड की, उसका नाम था न्यू फोल्डर या न्यू फाइल. अब मेरे दोस्त ने भी न्यू फाइल की इमेज अपलोड कर दी, तो क्या होगा, मेरी वाली फाइल ओवरराइट हो जाएगी, उसकी फाइल सेफ हो जाएगी वहाँ पे. तो जब वो मेरी प्रोफाइल लॉगिन होगा ना, तो जो मैंने न्यू फाइल अपलोड की है उसकी फाइल बनी हुई आ रही होगी, उसकी इमेज अपलोडेड. तो हम क्या करते हैं भाई, भले से पॉसिबल है ना दुनिया में लोग अलग अलग एक सेम नाम से सेव करके बैठे हों और अपनी तस्वीर अपलोड करो, तो मैं उसको डिफरेंट नेम देने के लिए जो ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि रैंडम नंबर जनरेट करो, सही है. स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पर मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाए आर डॉट नेक्स्ट, एनी नंबर इंटीजर की रेंज में, वो उसको रैंडम नंबर में सेव कर लेगा, रैंडम के वेरिएबल में, क्लियर है. अच्छा यहाँ एरर दे रहा है कंट्रोल डॉट, सॉरी असल में इसका नाम फाइल रख दो, ये इमेज फाइल रखा ना, इसका नाम फाइल, तो ये एरर चला जाएगा. कंपाइल किया, ठीक है ना, आप देखो सिर्फ पाथ पे एरर आ रहा है. अब यहाँ इसने कहा कि अगर जो फाइल है वो नल नहीं है या उसकी कंटेंट लेंथ जीरो से बड़ी होनी चाहिए. फाइल नल नहीं है इसका मतलब है कोई ना कोई फाइल सेलेक्ट होनी चाहिए, और हो सकता है फाइल आप बना लो जीरो के बी की हो, तो जीरो के बी की कोई फाइल मतलब दैट मीन्स कोई ना कोई थ्रेड है, कोई ना कोई बुरी चीज़ है, इमेज तो नहीं हो सकती जीरो के बी की, क्लियर है. तो ये कंडीशन भी इसने लगा दी है कि इमेज का जीरो से के बी से बड़ा होना ज़रूरी है और नल भी नहीं हो. फिर क्या करेगा, अब पता भी तो लगाना है कि वो इमेज है या नहीं है जो आप अपलोड कर रहे हो, तो उसकी एक्सटेंशन गेट करेंगे. कैसे एक्सटेंशन गेट करेंगे, एक वेरिएबल दिया पाथ, अच्छा सिस्टम डॉट आई ओ के अंदर ये क्लास मौजूद होती है पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन, ये क्लास है सिस्टम डॉट आई ओ के अंदर पाथ, और उसका एक स्टैटिक मेथड है गेट एक्सटेंशन, जो भी फाइल अपलोड हुई होगी ना उसका एक्सटेंशन गेट हो जाएगा. अब वो यहाँ चेक कर रहा है भाई, डॉट टू लोअर करके क्यों कर रहा है, क्योंकि कभी जे पी जी कैपिटल में भी होता है, तो उसको स्मॉल में चेक करेगा, जे पी ई जी को चेक करेगा या फिर पी एन जी को चेक करेगा, कि अगर इन सब में से भी कोई एक एक्सटेंशन ट्रू हो रही है इसका मतलब है वो इमेज है, और अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है वो इमेज, एल्स में वो एक एरर प्रिंट कर देगा कि भाई सिर्फ इमेज अपलोड हो सकती है और कुछ नहीं, सही है. और पाथ क्या रिटर्न कर देगा, माइनस वन, सही है लास्ट में, तो इसका मतलब है इमेज अपलोड नहीं हुई. अच्छा जी इन केस कंपाइल कर लेते हैं कोड को ना, एरर चाहिए. इन केस कि अगर वो इमेज है तो वो क्या करेगा, पाथ इज इक्वल्स टू पाथ डॉट कम्बाइन डॉट सर्वर डॉट मैप पाथ, ये वो कोड है सिर्फ इतना सा, ये वो मेथड है कम्बाइन का जो क्या करता है, ये जो आपका पाथ है या जहाँ पे इमेज सेव होगी उसको क्रिएट कर रहा है. तो कैसे कर रहा है, कह रहा है कंटेंट के फोल्डर में, अपलोड के फोल्डर में, अब यहाँ अपलोड का फोल्डर तो है नहीं, मैंने बनाया नहीं है, तो बना लेता हूँ, राइट क्लिक किया ऐड अपलोड, अपलोड का एक फोल्डर बना दिया यहाँ पे, और उसके आगे देखो मैंने क्या कर दिया, रैंडम नंबर को लगा दिया, समझ आ रही है बात. उससे क्या होगा, रैंडम नंबर कोई भी जनरेट होगा ना तो इमेज के आगे वो रैंडम नंबर लगेगा. अगर आपने भी न्यू लिखा है तो मैंने भी न्यू लिखा है, हो सकता है मेरे पास 11130 न्यू आ जाए, आपके पास कुछ और नंबर आ जाएगा, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि सेम हो सकता है. तो उस पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने का तरीका क्या है पता है, जो बंदे का ईमेल है ना उसको अपेंड कर दो, तो कभी भी डुप्लीकेट बनेगी नहीं इमेज, क्योंकि ईमेल हमेशा यूनिक होता है, क्लियर है, और उसके बाद रैंडम नंबर लगा दो. अच्छा ये वो कोड है जिससे वो सेफ हो जाएगी, और पाथ को मैंने यहाँ रिटर्न करा दिया, यानी अगर इमेज सक्सेसफुली रिटर्न अपलोड हुई तो ये पाथ रिटर्न हो जाएगा, सही है. अब इस पाथ को हमें डेटाबेस में सेव कराना होगा. अब यहाँ पर आते हैं, मेथड कॉल करते हैं, किस पे, इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है.
एक मैं बनाया वेरिएबल स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल्स टू, और इस मेथड को हमने कॉल कर दिया यहाँ पे, अपलोड इमेज पेस्ट कॉमा एचटीटीपी पोस्टेड फाइल बेस आईएमजी इमेज फाइल कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा ये नाम बिल्कुल वही होना चाहिए जो व्यू के ऊपर है, अगर आप व्यू को जाके देखो ना तो यहाँ पर बिल्कुल यही नाम होना चाहिए। कहाँ गया इनपुट फाइल नेम, कहाँ लिखा है मैंने, ये रहा, ये वही बिल्कुल वही नेम है, क्लियर है। अब कोट करने जा रहे हैं यहाँ क्या, इफ पाथ डॉट इक्वल्स, अगर वो माइनस वन है तो इसका मतलब है कोई एरर है, और अगर वो माइनस वन नहीं है, सही है, तो वो ये चलाएगा इस कोड को। इस कोड को कैसे डाटा कैसे ऐड करते हैं ये हमने लास्ट टाइम सीखा था, डी इज इक्वल्स टू न्यू, यहाँ इसको डी नहीं कर सकते, इसको डी आई कर दो, क्लियर है। डी आई डॉट नेम इज इक्वल्स टू, जो यूजर इंटरफेस से नेम आ रहा है, डी डॉट नेम, सही है। डी आई डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू डी डॉट डिस्क्रिप्शन, डी आई डॉट इमेज, अब इमेज का पाथ कहाँ सेफ है, पाथ के अंदर ये वाला पास कर दो यहाँ पे सिंपल बस, ओके। डी बी डॉट टी बी एल, डी बी डॉट टी बी एल डाटा डॉट एड, और उसके अंदर इस डी आई के ऑब्जेक्ट को पास, और डी बी डॉट सेव चेंजेस, क्यूबैक डॉट मैसेज डाटा, और इस व्यू बैक को कॉल कर लो यहाँ पे, गो टू व्यू टॉप पे ना, सही है, किसी टैग में कर लो। चलो जी बिस्मिल्लाह, इन केस अगर कोई मैं चीज़ भूल गया हूँ तो एरर होगा, अदरवाइज से चल जाएगा, तो उसको भी कवर अप कर लेंगे। अब यहाँ मैंने जैसे सेलेक्ट किया और प्रोडक्ट का नेम लिखा ए बी सी डी एनीथिंग, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और डेस्कटॉप से जाके कोई भी इमेज, चलो जी ये वाली अपलोड कर देते हैं, क्रिएट, देखो डाटा एडिट हो गया, डाटा एड, सही है। अब डेटाबेस में जाके चेक करो तो वो बता देगा कि भाई डीबी में भी ये डाटा है, ये देखो ये पाथ आ गया इसका, इस नाम से फाइल अपलोड हुई है, किस नाम से अपलोड हुई है, 156233, ये रैंडम नंबर है और ये फाइल का नेम है। अगर आप सर्वर पे फोल्डर में जाके देखोगे ना, स्टॉप करके देखो यहाँ पे कंटेंट के अपलोड फोल्डर में, ओपन फोल्डर इन एक्सप्लोरर, ये देखो ये रही इमेज, हो गई अपलोड, क्लियर है। और पिछले वीडियो में हमने उसको गेट करना सिखाया पेजिनेशन से, तो दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करो और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, यानी एक पेज से आप बनाएंगे क्या, डाटा इंसर्ट करेंगे, दूसरे पेज पर डाटा शो होता रहेगा, यहाँ से डाटा ऐड होता रहेगा और वहाँ से पेजिनेशन से वो बढ़ता रहेगा, सही है। तो ये दो वीडियोस को इंटीग्रेट करके एक असाइनमेंट है, अभी से शुरू करना।